पार्वती माता देह छाड़िले वीरभद्र दक्ष यज्ञ को संहार कले जेतबेले देह छाड़ुचंती आमे माने समस्ते कौन करिबा दरकार दिवसे मरण हेब जम दंड आउ मोते न हे बहे राधा गोविंद एही सुदया मोठारे थीबो हे राधा गोविंद हरे कृष्ण हरे राम एही नाम गाई जीव जीवन हे राधा गोविंद पादे एतिकी मोनिवेदन हे राधा गोविंद श्यावर रामचंद्र भगवान की मरण सेजरे सोईची जीव पिंडरु प्राण जेतेबेले अंतरहित हब सेतेबेले कफ बात पित रुंधि ए शरीर को पंगु करी देथिवे किंतु काकुर्त प्रार्थना हे मोर प्राणर ठाकुर तुंडरु राम कृष्ण हरे इतिकी टिके झरुथिबो अनेक जन्मर सिद्धांत को सार्थक करी मु शिवचरण रे दासी होइथिली हे मोर ठाकुरे आज मु प्राण विसर्जन करुची ए देह मो ठाकुर पर करी देइचंती तेणु ए जन्म परे पर जन्म परे पुणी जन्म जदि थाए जन्म जन्म धरी मते शिव पदरे अनुराग दे सेविका करुथिबो जन्म जन्म शिव पद अनुरागा गोस्वामी कहुचंती ते ही कारण ही म गिरि गृह जाई जन्मी पार्वती तनु पाई श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जेतेबेले साधु पुरुष माने एई बाणीटी को आलोचना करंती से माने कुहंती निजर कृतकर्म पाई निज भितरे अनुतप्त होइथिबा सती माता स्वामी कथा मानि नहंती श्रीराम भगवान को परीक्षा करिचंती सेथिपई व्याकुलचित्त होई कहुचंती जे ठाकुरे मोर मते पछे चलचंचल सजीव शरीर न दब मोर जीवन को पछे दुर्विषह करिदब मते जड़ जीवन पछे प्रदान करिव किंतु आर जन्म दब आउ सेई जन्म रे मते शिव चरण रे सेविका करिव आउ सेथि पई भगवान अस्तु कही तांकु पर्वत मानंकर रजा हिमालय तांको घरे पार्वती पर्वत कन्या हेतु पार्वती पार्वती नाम धारण कराई कन्या रूपरी जन्म ग्रहण कराई देले बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।